KTM Duke 200। KTM की ये एक बहुत पॉपुलर बाइक है जो काफ़ी ज़्यादा सेल हुई है और इंडिया में काफ़ी अच्छा मार्केट इस बाइक ने बनाया है। रिसेंटली KTM ने इसमें एक अपग्रेडेशन करा है जो कि ABS के रूप में देखने को मिलेगा। आइए कुछ देख लेते हैं स्पेसिफिकेशन KTM Duke के क्या है। KTM में जो इंजन की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है जो 200cc की, वो 199.5cc का इंजन इसमें मिलता है। बाइक प्रोड्यूस करती है 25.1 हॉर्स पावर एट 10,000 RPM और जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है पीक पे वो 19.2 न्यूटन मीटर का होता है जो 8,000 RPM पे बाइकें प्रोड्यूस करती हैं। बाइक में फ्रंट और रेयर दोनों आपको डिस्क मिलते हैं सिंगल चैनल पे ABS के साथ, जो कि अभी रिसेंटली बाइक ने इंट्रोड्यूस करा है। बाइक की जो माइलेज क्लेम की जाती है वो 35 किलोमीटर पर लीटर की है और टॉप स्पीड जो बाइक गेन कर पाती है एट मैक्सिमम पावर इट्स 135 किलोमीटर पर आवर। बाइक में डिस्प्ले के लिए आपको एक LCD डिस्प्ले मिलेगा जिसमें आप अपनी स्पीड और ऑयल ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो रियर शॉकर है वो मोनो शॉकर है, सिंगल मोनो शॉकर होता है जो बाइक में, जो कि इसको स्पोर्टी लुक देता है और बहुत अच्छा इसमें वो लगता है। टायर्स फ्रंट एंड रेयर दोनों ट्यूबलेस टायर बाइक में मिलते हैं विद अलॉय व्हील्स। अलॉयस का जो कलर होता है वो ऑरेंज रहता है। ग्राउंड क्लियरेंस बाइक स्पोर्टी के साथ साथ थोड़ा सा आपको फील देती है एडवेंचर के लिए और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग के लिए। बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं है क्योंकि बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm की है और जो सीट की हाइट है वो 810 mm की है, जो कि एक एवरेज इंडियन हाइट के हिसाब से बहुत ठीक है। 5.8 हाइट अगर आपकी है, 5.7 है, तो आप इजीली इसको राइड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दी बेल आइकन सो दैट कोई भी वीडियो मैं अगर निकालता हूं तो आप उसको जल्दी से जल्दी देख पाएँ। बाइक की जो कीमत है वो विदाउट ABS 152,000 की है और विद ABS 160,000 की है। बाइक पे ABS लॉन्च होने के बाद आपको स्पीड के साथ साथ अब सेफ्टी का भी एहसास होगा। ABS जो कि आज की तारीख में बहुत मैंडेटरी हो गया है, गवर्नमेंट भी इसको इन्फोर्स करने की कोशिश कर रही है हर टू व्हीलर के लिए। सो KTM ने भी उसी को फॉलो करते हुए अपनी बाइक्स में ABS की ये प्रोविज़न डाला और ABS अब आपको 200 में देखने को मिलेगा। आई थिंक 1,52,000 एंड 1,60,000 के बीच में जो 8,000 का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो फीचर ABS जैसे आपको टू व्हीलर में देखने को मिलते हैं वो सेफ्टी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है KTM Duke में और हो सकता है हम इनके अपकमिंग मॉडल्स में पहले से ही ये सारी चीज़ें देखें। इससे पहले मैंने एक वीडियो रिव्यू करा था जो कि 125 का था। 125cc की KTM अभी तक लॉन्च नहीं हुई है इंडिया में, वो फुली जल्दी ही वो इस मार्केट में उतारेंगे और वो ABS के साथ ही मार्केट में आएगी। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपके कोई क्वेरीज हो, अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नीचे अपने क्वेश्चंस लिखें। आपकी क्या ओपिनियन है KTM Duke 200 को लेके, वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ।